आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तेलंगाना न्यूज से जुड़ी हर अपडेट हम लोग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटों पर हमारी खास नजरें बनी हुई हैं, जिसे लेकर के आपको जानकारी देना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप जिनमें इस टीम मीडिया से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत की खबरें आप तक पहुंचाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अभी तक अकबरुद्दीन ओवैसी की जीत को ही गोदी मीडिया पूरी तरीके से दिखा रही है और जो विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीत करके विधानसभा में पहुंच रहे हैं उनके बारे में बताना भी आप लोगों को लाजमी नहीं समझ रही है। तेलंगाना पर मलकपीत से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने अपनी जीत दर्ज कर ली है और वो एक बार फिर से विधानसभा में जीत करके पहुंच गए हैं। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की अगर बात की जाए तो वहां के लोगों का कहना है कि वो हर दुख मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो हवा हवा में बातें करने में यकीन नहीं रखते, वो जमीनी स्तर पर उतर करके वहां के लोगों के दर्द को जानते हैं और उनके बीच में रह करके उनके मसलों को हल करते हैं। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों की ताकत है, जो एक बार फिर से उभर करके तेलंगाना में नजर आ रही है। और यही बातें अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए भी कही जाती हैं, जो वहां के लोकल लोगों से जब हम लोगों ने फोन पर बात की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती और तेजी से फैल रही है, क्योंकि अब और भी जैसे जैसे टाइम घटता जा रहा है वैसे वैसे परतें खुलती जा रही हैं और साफ होता जा रहा है कि कितने विधायक जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे, और इसी से ताजा खबरें लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर होते रहेंगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।